हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो सेक्शन 234E की फीस को लेकर के है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो सेक्शन 234E का जो प्रोविजन आया था वो 1 जुलाई 2012 से आया था और इस प्रोविजन के मुताबिक यदि असेसी अपनी टीडीएस की रिटर्न लेट जमा करता है तो असेसी को 200 रुपीज पर डे के हिसाब से फीस जमा करनी पड़ती है। दूसरा सेक्शन 234E, तो यह प्रोविजन बताता है कि असेसी के ऊपर टीडीएस की रिटर्न लेट जमा करने की फीस लगेगी, लेकिन सेक्शन 200A सबसेक्शन 1 क्लॉज सी अमाउंट बताता है कि 200 रुपए की फीस असेसी के ऊपर लगेगी यदि एसएससी अपनी टीडीएस की रिटर्न टाइम पर फाइल नहीं करता। नटशेल के अंदर 234E इस बात को प्रेस्क्राइब करता है कि एसएससी को लेट फीस देनी होगी और सेक्शन 200A सबसेक्शन 1 क्लॉज सी अमाउंट स्पेसिफाई करता है। सेक्शन 234E 1 जुलाई 2012 से आया और सेक्शन 200A सबसेक्शन 1 क्लॉज सी जो कि फीस के अमाउंट की बात करता है उसको 1 जून 2015 से अमेंड किया गया। तो जो फोकल पॉइंट ऑफ लिटिगेशन प्रेजेंट केस में है वो ये है कि क्या 1 जुलाई 2012 से 1 जून 2015 के बीच में जो टीडीएस की रिटर्न्स जमा होनी थी, जो लेट जमा हुई उस पीरियड की रिटर्न्स, क्या उन पे भी लेट फीस एप्लीकेबल होगी। ये इशू मद्रास हाईकोर्ट ने अपने केस कौन सीरिया इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर एंड अनदर के केस में डिसाइड किया और यह केस 464 आईटीआर पेज नंबर 92 पर रिपोर्ट हुआ। केस का जजमेंट 10 नवंबर 2023 को आया। प्रेजेंट केस असेसमेंट ईयर 10-11 से लेकर के असेसमेंट ईयर 15-16 से रिलेट करता है। सेक्शन 234E जो कि ये कहता है कि असेसी को लेट फीस देनी होगी यदि असेसी ने वो सारी टीडीएस की स्टेटमेंट्स जो कि प्रेस्क्राइब्ड है सेक्शन 200 सबसेक्शन 3 के अंदर या सेक्शन 206C सबसेक्शन 3 के प्रोविजो के अंदर, तो असेसी को लेट फीस देनी होगी यदि टीडीएस की स्टेटमेंट्स टाइम पर फाइल नहीं की गई है और जो लेट फीस है वो पर डे के हिसाब से दी जाएगी। ये प्रोविजन आया था 1 जुलाई 2012 को, लेकिन जो अमाउंट बताया गया वो सेक्शन 200A सबसेक्शन 1 क्लॉज सी के अंदर बताया गया कि ये 200 रुपए पर डे देना होगा। जहां तक कि 1 जून 2015 के बाद का टाइम है उसके लिए कोई डिस्प्यूट नहीं है कि एसएससी को लेट फीस देनी है, लेकिन काफी सारे इश्यूज वेरियस कोर्ट्स के सामने उस पीरियड को लेकर के आए जो 1 जुलाई 2012 जिस पर सेक्शन 234E आया और 1 जून 2015 जिसमें सेक्शन 200A सबसेक्शन 1 क्लॉज सी को अमेंड किया गया उसको लेकर के है। कुछ कोर्ट्स का यह कहना है कि उस पीरियड्स में जो टीडीएस की रिटर्न्स लेट हुई उसके लिए एसएससी को लेट फीस नहीं देनी, लेकिन प्रेजेंट केस में मद्रास हाईकोर्ट का यह कहना था कि जो सेक्शन 234E है वो लायबिलिटी क्रिएट करता है और ये लायबिलिटी जो लेट फीस को देने की है ये सेक्शन 200A सबसेक्शन 1 क्लॉज सी पर डिपेंडेंट नहीं है और जो सेक्शन 234E है वो इंपॉर्टेंट है और सेक्शन 200A सबसेक्शन 1 क्लॉज सी एक रिकवरी मैकेनिज्म है जो कि खाली रिकवरी के बारे में बात करता है, लेकिन जो चार्जिंग सेक्शन है एक तरीके से वो सेक्शन 234E है। तो इस केस का निष्कर्ष ये है कि चाहे 200A सबसेक्शन 1 क्लॉज सी 1 जून 2015 से आया तब भी एसएससी को 1 जुलाई 2012 से के पीरियड से लेकर के 1 जून 2015 के बीच में जो टीडीएस की रिटर्न्स लेट हुई उस पर भी सेक्शन 234E की फीस देनी है इस केस के मुताबिक।
वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं, केस का नाम है कॉन्सीरिया इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर एंड अनदर, और ये केस 464 आईटीआर पेज नंबर 92 पर रिपोर्ट हुआ, मैटर मद्रास हाईकोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 10 नवंबर 2023 को आया।